नमस्कार, मेरा नाम टिंकू है और आप देख रहे हैं News24 समाचार। चीन में फैले कोरोना वायरस को नेपाल के रास्ते भारत में फैलने की आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और किशनगंज के डीएम आदित्य प्रकाश ने स्वास्थ्य विभाग को सजग में रहने का आदेश जारी किया है। वहीं एसएसबी के कमांडेंट वीरेंद्र चौधरी की पहल पर सीमावर्ती क्षेत्र के विभिन्न कैंपों में प्राथमिक जाँच कर शिविर चलाया जा रहा है। भारत के नेपाल सीमा पर स्थित विभिन्न कैंप पैकटोला, माफिया टोला, फतेहपुर, खनियावाद, बेडिया के एसएसबी कैंपों में शिविर लगाकर लोगों को प्राथमिक जांच की जा रही है। एसएसबी के जवान और पीएससी द्वारा तैयार किए गए टीम के सदस्यों के साथ गांव गांव जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं तथा लोगों को कोरोना वायरस के खतरों से आगाह किया जा रहा है। एसएसबी द्वारा कई कैंपों में प्राथमिक शिविर लगाया गया और तरागाज प्रखंड के वीडियो गुलजारी कुमार पंडित ने बताया कि शिविर के माध्यम से कई लोगों को जांच की गई। कोरोना वायरस को लेकर पीएससी अलग अलग टीम गठित कर ऐसे मरीजों को पैनी नजर बनाई हुई है, जो ज्यादा सर्दी, जुखाम तथा खांसी बुखार वाले मरीजों को तुरंत पीएससी भेजा जा रहा है तथा उसका फिर से जांच की। चरागाह पीएससी प्रभारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएससी स्तर पर इसका कोई खास व्यवस्था तो नहीं है, फिर भी हम प्राथमिक जांच, मतलब कि अपने आप को साफ सफाई रखें। वायरस है, वायरस 80% 90% आप यदि स्वच्छ रहिएगा, डेली का नहाना, सोच के बाद हाँ साबुन से हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, आसपास में स्वच्छता रखना या बच्चे को मतलब कि स्वच्छ रखना, तो ये सब चीज़ है। खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करें, अपना देखभाल की करना है, कहीं कुछ हो गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वो स्वस्थ होने पर